व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शिवम आर्या। वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आज का वीडियो है कार्डियो एप्स वर्कआउट के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग ज़्यादा रुपए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं डाइट को मेंटेनेंस करने के लिए। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि डाइट को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नो प्रॉब्लम, आपके घर में जो भी खाना बनता है ठीक है, आप वही खाओ, ठीक है, और उसके साथ साथ आप वर्कआउट करो। तो फिर चलते हैं वीडियो की ओर। Week 1, first crunches, 1 set में 20 reps and 2 set में 20 reps and 3 set में 20 reps करना है, okay? नेक्स्ट हमें कार्डियो करना है, इंटेंस जंप 1 मिनट, ओके। हमें इंटेंस जंप करना है, मींस हमें जंप से थोड़ा हाई जंप करना है, ओके। नेक्स्ट प्लैंक, आपको इसे 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है, ओके। अगर आपसे 1 मिनट हो रहे हैं तो फिर आप 1 मिनट करो, अगर आपसे नहीं हो रहे 1 मिनट तो आप 30 सेकेंड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट टक जंप, अगर ये आपसे 15 हो रहे हैं तो फिर आप 15 करो, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट सेटअप, आपको ये 1 set में 20 करना है एंड 2 set में 20 and 3 set में 20, ओके। नेक्स्ट जंपिंग जैक, कम से कम आपको ये 1 मिनट तक करना है, जिससे कि आपका जो कार्डियो एक्सरसाइज हो वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट एक्स आउट, नेक्स्ट रनिंग, Week 2, नेक्स्ट रशियन ट्विस्ट, ये आप 15 या 20 रेप्स कर सकते हो, ओके। फ्रंट एंड बैक, ये आप 1 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो आप 30 सेकेंड से स्टार्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट टच नी टू एल्बो,
जंपिंग स्क्वाट, ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो सकता है वर्कआउट। साइड बाय साइड प्लैंक, ये आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट एक साइड, 1 मिनट अदर साइड, ओके। बर्पी, प्लैंक हीप प्रेसेस, नेक्स्ट जंपिंग जैक, ये आप 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। वीक 3, माउंटेन क्लाइंबर, फ्रंट रनिंग, जिस तरीके से आप रनिंग करते हो उसी तरीके से करना है, बस लेग जो है लेग आगे रखना है, ओके, एंड लेग अप की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट लेग रेजेस, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा हार्ड है, बस इतना सा हार्ड है, अगर आप ट्राई करोगे ना हो जाएगा। रनिंग, प्लैंक इन एंड आउट, ये आपको पूरा डीप लेके जाना है, पूरा डीप इन एंड पूरा डीप आउट, ओके। नेक्स्ट वी अप्स, ये आपको 12 रेप्स करना है, ओके। 1 सेट में 12 एंड 2 सेट में 12 एंड 3 सेट में 12।
फ्रंट रनिंग। And last week 4, in and out. Laying knee raises. नाइन्टी डिग्री होल्ड करने के बाद ही आप धीरे धीरे बोट पोज में लेके जा सकते हो। ओके, इन एंड आउट विथ हैंड। आप इन सारे वर्कआउट को सप्ते में 3 दिन कर सकते हो। ओके, जस्ट अपोजिट करना है, मीन्स कि आपको week 1 में आपको 3 दिन करना है, ठीक है। एंड जिस दिन आप करोगे day 1 में, आपको जो 4 वर्कआउट बताया गया है, जब आप नेक्स्ट डे करोगे उस 4 वर्कआउट का अपोजिट करना है। ओके, एंड इसी तरीके से 4 वीक का मैंने वर्कआउट आपको बता दिया गया है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, ठीक है। एंड बताओ 1 महीने के बाद कि इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। ओके, एंड थैंक यू।